देखिए दोस्तों, आज हम आपको JCB 3DX के बकेट का टीथ चेंज करने का प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो जो पुराने टीथ हैं उसको खोले जा रहे हैं पाना की सहायता से। तो इसको खोलने के बाद फिर नया टीथ लगाया जाएगा। देखिए दोस्तों, वहाँ पे टीथ नए रखे हुए हैं, दो साइड और तीन सेंटर का। तो सबसे पहले पुराना वाला खोलने के बाद फिर हम आपको लगाने का प्रोसेस भी बताएंगे। देखो दोस्तों, सारे दांत खोलने के बाद इसमें नए दांत इंस्टॉल किए जा रहे हैं। देखिए अब उसको बारी बारी से इसमें नए दांत लगाए जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब इसके नए दांत के साथ नए बोल्ट भी हैं, नट एंड बोल्ट इसमें फिक्स किए जाएंगे। इसको सब में फंसाने के बाद इसको बारी बारी से टाइट किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको नट बोल्ट टाइट किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, ग्रू चेला लगे हैं, एक ग्रू चेला है। तभी देखिए, ये चेला दिमाग ही नहीं इस्तेमाल करता, तभी चेला रह गया। अभी तक ये ग्रू नहीं बन पाया। जब तक दोस्तों ये नए वाले में नट बोल्ट लगाते हैं, तब तक हम आपको पुराने वाले की डिटेल्स बताते हैं जो हमने खोल के रखा है। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से खोला हुआ है टीथ, जो घिस के बिल्कुल ही आधे से भी आधा हो चुका है। इसकी हालत बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी, इसीलिए हमें इसे चेंज करना पड़ा। और इसको अब नया इंस्टॉल करने के बाद दोबारा से JCB को साइट पर लेके जाया जाएगा कटिंग के लिए। और यहाँ की मिट्टी जो है बहुत ही हार्ड है, रेतीली, जिसकी वजह से दांत एक महीने के अंदर ही घिस जाते हैं। देखिए दोस्तों, नए दांत में जो इसका पार्ट नंबर लिखा हुआ है, ये इसका पार्ट नंबर है, जिसको आप बता के JCB कंपनी से आप इसको मंगवा सकते हैं। तो जिसमें से तीन ऐसे वाले दांत आते हैं और दो जे वाले दांत आते हैं। तो इसका भी पार्ट नंबर यहाँ पर लिखा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी है। दोस्तों इसको बारी बारी से इसको फिक्स करने के बाद इसका अलाइनमेंट सेट किया जाएगा। ऑपरेटर अपने हिसाब से इसका अलाइनमेंट सेट करेगा, तो उसके बाद इसको साइट पर लेके जाया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।